एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ मारपीट का मामला सामने आया। मैं आपको बता दूं कि ऐसा बताया जा रहा है कि उनके ही सगे बेटे ने उनकी मां के साथ मिलकर इस व्यक्ति के साथ लाठी डंडों से मारपीट करी है और फिलहाल व्यक्ति का जो पूरा हाथ है वो फ्रैक्चर हो गया है, शरीर के अलग अलग हिस्सों पे चोटें आई हैं। क्या कारण था मारपीट करने का और ऐसा क्या हुआ कि अपने ही पिता के साथ मारपीट करनी पड़ गई, ये अभी हम जान लेते हैं। मेरा नाम राम फड़ाई। कहाँ के रहने वाले? न्याणा से। कब हुआ था आपके ऊपर ये हमला? ये शायद 27 तारीख को। 27 तारीख को किसने मारा? माँ बे लड़का था, लड़के ने, माँ बेटे ने, माँ उसकी माँ ने रहे लड़का ने। अच्छा, आपका खुद का लड़का है? हाँ, हाँ जी। कितने साल का है? वो होगा 25 साल का। अच्छा, तो इतनी ज्यादा चोट आपके खुद के बेटे ने आपको मारी, क्या कारण? ऐसा है जो वो नशा करता, उसका गुस्सेल है वो, जैसे पहले चोरी के मैं मोटर चोरी के मामले में जेल में था, फिर उसकी माँ हमारे से लुकमा छुटवा ली, जमानत करवा ली, तो मेरे से वो रिंजश इसलिए खा रहा है कि मैंने उसकी जमानत नहीं करवाई। अच्छा। एक बात तो ये होगी, फिर फोन पर बोला पापा पीसी भेज दे, मेरे पास तो पैसे है नहीं। ठीक है, माँ उसको पैसे दे देती है, वो माँ की तरफ है, माँ थोड़ी सी बात कह दे बट तो वो उसकी तरफ है जी, माँ उसका साथ दे रही है, बस ये कहानी है। तो आपकी पत्नी और आपके बेटे ने दोनों ने मिलके मारा? हाँ। किस तरीके, क्या कोई औजार था उनके पास या हाथों से ही मार कुटाई की गई? नहीं, लठ ले रहा था वो, लठ ले रहा था। हाँ। लठ से मारा। हाँ। 27 तारीख की वारदात बताई जा रही है। उसके बाद क्या आपने कोई FIR वगैरह दर्ज कराई? फिर वो मेरे को लठ मारा, मैं बाहर निकल गया, उन्होंने फिर कुवाड़ बंद कर लिए, फिर मैं चिल्लाता रहा, दर रहा, फिर वो 108 नंबर पर एम्बुलेंस आई थी, उसमें बैठ के आ गया। अच्छा, तो अभी कहाँ कहाँ चोट लगी है आपको? ये यहाँ लग रही है, ये हाथ टूट रहा है, और भी पीछे ये इधर लग रही है। अच्छा, तो आपकी पत्नी ने भी साथ में ही आपके साथ मारपीट करी? हाँ। क्या पहले भी ऐसे कभी मार कुटाई हुई है आपके साथ? उस लड़का ने कई बार कर दी थी। अच्छा। पहले तो थप्पड़ गुस्से मार देता था, अभी उसने लठों से हाथ तोड़ दिया। नहीं तो घर में छोटी मोटी बात हो तो कौन किस लिए दरखास्त देने? आप काम क्या करते? मैं तो ये मजदूरी करता हूँ, चोरी, ये जैसे बूट चप्पल बेचता है। तो अभी फिलहाल कोई कार्रवाई करी, FIR दर्ज करवाई है आपने? मैंने जी वो कल बुलाया था फोन करके, न इस वाला 112 नहीं, ये सदर वाला आया था, वो बयान लेके गया था। मतलब कोई कार्रवाई हो पाई है? देखो जी वो कल ही तो लेके गया है, कल, हाँ कल वो फोन आया था भाई FIR दर्ज होगी। तो आप क्या कोई कार्रवाई चाहते हैं असल में, या फिर घरेलू मामला है आप सुलटाना चाहते हैं अपने घर पे? देखो जी, नू है मेरे पास एक लड़की है, एक लड़का है, बाकी इस निकम्मा के साथ तो हम घर कैसे गुजारे हैं। कितनी उम्र है आपके बेटे? 25 साल। 25 साल, नशे की आदत है उसे? हाँ। चोरी भी करी हुई है? उसने मोटर चोरी का केस था पहले, फिर वो मेरे घर में करने लग गया, वो पहले तो मेरे को पता नहीं था, फिर मेरे तो वो घर में चोरी करने लग गया, तब मेरे को पता लग गया भाई ये चोरी कर रहा है। तो अभी फिलहाल आप सारे एक ही घर में रहते हैं, अलग अलग रहते हैं? अभी तो हम यहाँ से दूसरे गांव में चले गए थे भाई, इसी कारण से भाई, ये जो है ना दूसरे गांव जाने से संगत छूट जाएगी, कमा के तो खाना है, वहां पर भी इसने 5 बार वारदात कर दी। फिर वो मकान मालिक बोला भाई ये रोज का झगड़ा, हमें किराया नहीं चाहिए, खाली कर दो, तो वो सामान गाल के लेके आ गए माँ के साथ। फिर मैं अकेला वहाँ 5-4 दिन तो रहा, फिर मैं अकेला क्या करूँ, फिर मैं भी आ गया था। आपके गांव का नाम? न्याणा। तो अभी फिलहाल क्या आपको लगता है कि अगर कोई कार्रवाई नहीं करी गई तो आपकी जान को इसके बाद भी खतरा है, दोबारा आपके साथ भी ऐसे मार कुटाई हो सकती है? तो तभी तो जी, मैं मान ले आज कार्रवाई ना करूँ, अब मैं घर पर जाऊँ तो तड़को मेरे को दूसरी बार मार देगा फिर वो। आप मतलब चाहते हैं कि प्रशासन कार्रवाई करे? हाँ जी, उसके ऊपर कार्रवाई जरूरी है। क्या FIR में आपने अपनी बीवी का नाम भी दर्ज कराया है? बीवी ने तो थप्पड़ मुक्के मारे है जी। हाँ। आपकी तरफ से भी क्या हाथापाई हुई थी? नहीं। आपने अपने आपको बचाने की तो कोशिश करी होगी? मैं तो जी वो लठ मारने लग गया ना, तो मैं तो खाली आता, एकदम मारने लग गया तो मैं घर से भाग गया, भागने के बाद गली के अंदर चिल्लाता रहा, उन्होंने तो अपने कबाड़ बंद कर लिए, फिर उन्होंने, मेरा भाई है उसने 100 एम्बुलेंस बुलाई है, और एक ने, एक पड़ोसन ने फिर मेरे को एक चादर दे दी। आपके भाई का नाम जो आप हॉस्पिटल लेकर के आया? उस पे वो उसका हॉस्पिटल नहीं, एम्बुलेंस पे फोन कर दिया। क्या नाम है उसका? सतवीर। सतवीर,
तो आप सुन सकते हैं रामफल जी जो है पूरे मामले पर सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं, और अभी भी जिस तरीके से बोला गया है कि इनकी जान को अभी भी खतरा है, दोबारा भी इनके साथ मारपीट हो सकती है, तो मैं पुलिस प्रशासन से भी यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इस पूरे मामले पर निष्पक्ष जांच भी। जुड़े रहिए आधार न्यूज हरियाणा के साथ। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो, और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेल ट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेल ट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।